बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू मनो सलवा कुकिंग टाइम। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजल फरमाए। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। मूंग की दाल मेरे पास एक कप है जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो लिया है। लहसुन है, लहसुन और अदरक है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया है, 1 टमाटर है, 5-6 हरी मिर्चें, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1 मीडियम प्याज, हल्दी है 1 टीस्पून, पाउडर मिर्च और कुटी हुई मिर्च है 1.5 टेबल स्पून है, धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1 दालचीनी का पीस है और 1 मेरे पास बड़ी इलायची है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे, प्याज शामिल करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 पीस और जीरा। लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक भून गया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर शामिल करके इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को भूनेंगे। मसाला भून गया है, अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल भून चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, ताकि इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये गल जाए। तकरीबन 1/2 कप पानी इसमें चला गया है और हम इसका फ्लेम कर देंगे लो। फ्लेम लो कर देंगे और ढक देंगे इसको, ताकि ये अपने ही स्टीम के अंदर पक जाए। दाल के गलने का वेट करते हैं।
दाल हमारी घर चुकी है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून, शामिल कर देंगे। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। दाल हमारी तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मूंग की दाल बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। ये बहुत हल्की है खाने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।